वालेकुम सलाम। अबे 2000 का डाल दिए। हाँ बात सुनो, ये 100 रुपए ले और 3000 की पर्ची बना दियो। लेकिन यार ये गलत है, मालिक को पता चल गया तो? अबे कोई मालिक वालिक नहीं देख रहे, क्या टेंशन ले रही है तू? और फिर मालिकों के पास कौन सी पैसों की कमी है? पैसा ही पैसा है उनके पास, पैसा थोड़ा हम रख लेते तो क्या हो जाता है, खामखा ही डरता है। ये रख, इसमें से तू भी अपना हिस्सा रख लियो। मुझे नहीं चाहिए भाई तेरे पैसे, पकड़। नहीं चाहिए ना, मत ले, चल जा। चला यार तू गाड़ी, उसूलों की देवी बना फिरता है तू। अच्छा राशिद, वो कॉन्फ्रेंस रूम में जो पेंट और सीलिंग के काम का बोला था, बात हुई किसी बंदे से? सर एक आदमी से बात तो की है, 50,000 रुपया बोल लिया था, बड़ी मुश्किल से 45,000 में राजी कर लिया है। चलो ठीक है, काम शुरू कराओ और जाते हुए अकाउंट से पैसे ले लेना। यार राशिद भाई, आपने तो मेरे सामने पेंट वाले आदमी को 35,000 रुपये में मना लिया था। अबे उसको 35,000 में राजी कर लिया था, इधर उधर भागम दौड़ी करनी है, काम करना है तो मेरा भी तो थोड़ा खर्चा बनेगा ना। राशिद भाई, कंपनी आपको इसी काम के तो तनख्वाह देती है। अबे देख, कंपनी जितनी तनख्वाह देती है ना, वो तुझे भी पता है मुझे भी पता है, बहुत मुश्किल से उसमें गुजारा होता है। और फिर आदमी की अपनी भी तो ख्वाहिशात होती है ना, खर्चा पानी बनता है तो फिर बात बनेगी। गलत है, मालिकों को पता चल गया आपके साथ बहुत बुरा होगा। अबे मालिक कौन सा हमें देख रही है, हर टाइम मालिकों को पता चल गया, अब जी बसूलों की देवी है। हाँ भाई, किधर किधर किधर? अरे यार वो बाद में बात करता हूँ यार। खैरियत इतनी जल्दी में? यार असल में वो अब्बा का इलाज चल रहा है ना अस्पताल से, तो मैंने सोचा कंपनी में रिपोर्टें दिखाकर मेडिकल अलाउंस ही ले लूँ। अबे सालाना 1,00,000 रुपये मेडिकल अलाउंस है। यार मैंने तो कल तेरे अब्बू को बाजार में देखा था, बिल्कुल ठीक ठाक थे। अबे दरअसल मैं तुझे बात बताऊँ तो ये 40 रिपोर्टें, अब्बा को कुछ नहीं हुआ। लेकिन तुम देख मेरी बात सुन, वैसी 2 माह के बाद ये साल ख़त्म हो जानी है और फिर उसके बाद ये मेडिकल अलाउंस वैसे ही ज़ाया हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि निकलवा लिया जाए तो अच्छा रहेगा ना। मेरी बात मानता है तो तू भी निकलवा ले, 2 माह बाद वैसे भी ज़ाया हो जाएगा। बंदा है मेरे पास, ऐसी डिटो रिपोर्टें बना के देगा, कोई नहीं पकड़ सकता। खुदा का खौफ कर, इस तरह जाली रिपोर्टें दिखा के अपने बाप की कंपनी से पैसे निकलवा रहा है। इस तरह से पैसे कमाएगा ना तो ये तेरे लिए जिल्लत का बायस बनेगा। सुधर जा, छोड़ दे ये काम, वरना मालिक को पता चल गया बहुत बुरा होगा तेरे साथ। अबे चल, तू जो अपने ईमानदारी वाले लेक्चर ही है ना, अपने पास रखा कर समझा, और किसी को पता नहीं चलता। अबे इतने अरसे से तेरा भाई 2 नंबरियां कर रहा है, आज तक किसी को पता चली है? इन मालिकों को नहीं पता चलेगा, लेकिन ऊपर जो मालिक है वो तो देख रहा है ना। भाई मेरा काम तो तुझे समझाना, आगे तेरी मर्जी। अबे चाचा बड़ा आया, माजी के काम में चल रहा है। सर ये मेरे अब्बा की अब मेडिकल रिपोर्ट है, उनका इलाज चल रही है तो इलाज के लिए पैसा चाहिए था। अच्छा तो आपके वालिद साहब का इलाज सिटी हॉस्पिटल में चल रहा है? वहीं की रिपोर्टें वहीं चल रही है। फिर तो आप बड़े अच्छे वक्त पर आए। ये हैं मिस सज्जल, मेरी फ्रेंड हैं, और जो सिटी हॉस्पिटल है वो इन्हीं का है। सज्जल ये फाइल देखिएगा प्लीज़, और अपने हॉस्पिटल में कॉल करके बता दें कि इस नाम के पेशेंट का जितना भी खर्चा है वो हमारी कंपनी अपने पैनल से देगी। अब 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 अब, 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 अब फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है सर, जाके नाम ले लूँगा, काम हो जाएगा। इसमें घबराने की क्या बात है, आपके वालिद साहब का इलाज बिल्कुल ठीक तरीके से होगा और खर्चे की फिक्र ना करो, वो कंपनी बर्दाश्त करेगी। हेलो, हाँ ये ताजुद्दीन मोहम्मद है, इनकी मुझे बताएं डिटेल्स। हाँ कंफर्म है आजकल? ठीक है, ओके थैंक यू। देखें हमारे हॉस्पिटल में तो इस नाम का कोई भी पेशेंट नहीं है, और ये जो मेडिकल रिपोर्ट्स भी हैं
इनका भी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसका मतलब है इसने ये रिपोर्ट जाली बनवाई है। क्या गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दे। मुझे घटिया इंसान फ्रॉडी है, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने वालिद साहब की जाली तुम रिपोर्ट्स बनवाते हो? दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकालता हूँ। मैं तुम्हारी ऐसी रिपोर्ट बनाऊंगा कि कोई कंपनी तुम्हें जॉब नहीं देगी। इसको तो जालसाजी के इल्जाम में पुलिस के हवाले करो। दफा हो जाओ यहाँ से घटिया इंसान। क्या हो गया राशिद भाई? अबे यार मालिक को पता चल गया जाली रिपोर्टों का, अभी मेरे को नौकरी से निकाल दिया। मैं तो सही बोल लिया था यार, दो नंबरी से कमाया गया पैसा जलील करा देता है। अब देख तू, मैंने कंपनी को लूटने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। मैं पैसा बना लिया था, सोच लिया था कौन देखेगा। अब तू देख यार, मालिक को पता चल गया। तू सही कह रिया था यार, वो जो पर बैठा है ना वो देख रहा है, गलत काम का गलत ही अंजाम होता है।